हेलो गाइस, तो इस वीडियो का टॉपिक है हमारा ये ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट। बहुत ही ब्यूटीफुल से इसके फ्लावर्स आते हैं। ये इसकी वाइन भी होती है और ये बुशी लुक में भी आता है, दोनों ही होते हैं। तो ये वाला शायद थोड़ा बुशी रहेगा, ज़्यादा इसकी वाइन की तरह नहीं फैलेगा ये। और कटिंग से ग्रो किया हुआ है ये भी उन्होंने, छोटे से पॉली बैग में। ये आया 50 रुपीज़ का। और फिलहाल तो इसकी हालत कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं कह सकती, लेकिन अब बड़े पॉट में आएगा तो बिल्कुल छोटे पॉट में लगाया हुआ है, इतने में क्या फैलना उसने। तो अब जाके बड़े पॉट में जब लगाएंगे तो अच्छी ग्रोथ कर लेगा, क्योंकि सीज़न भी ठीक है अब। तो आप नेट पे चेक करना, अभी तो फ्लावर इसके छोटे हैं, येलो से थोड़ी सी वाइट की स्ट्रिंग सी निकलती है इसकी, और इसीलिए इसे ब्लीडिंग हार्ट कहा जाता है। जैसे क्या हुआ आपको, क्या हुआ, आप आ जाओ मेरे पास। तो इसीलिए इसका नाम ब्लीडिंग हार्ट है। तब इसकी रिपोर्टिंग करने लगी हूँ इससे पहले। क्या हो गया दीदी को बोलो, उससे पहले ये कॉस्मोस लगाए हैं, जिनिया लगाई है, सिलोशिया वगैरह लगाए हैं, कहीं के सैपलिंग लगा लिए हैं और कहीं के मैच्योर प्लांट और कहीं के सीड्स लगा लिए हैं। सीड्स तो लगाए हुए काफ़ी दिन हो गए। मेरी हेल्प करोगे? अच्छा कर लो, आ जाओ। तब इसको निकाल के लगाएं, देख रहे हैं इसकी रूट वगैरह कैसी बनी हुई है। ये शायद निकल जाएगा इजीली, वैसे इसको काटने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये प्लांट निकाल लिए, और ये रूट्स देखो कैसे रूट्स ना नीचे तक फैली हुई थी इसकी, मतलब कि नहीं तो काफ़ी प्लांट की ग्रोथ होनी थी। ये देखो नीचे यहाँ सारी इकट्ठी हुई पड़ी है, कितनी लंबी, यहाँ से लेके यहाँ यहाँ तक काफ़ी लंबी लंबी रूट्स हुई पड़ी हैं। और सोइल को तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, इसके रूट्स को भी डिस्टर्ब करूँगी, एज इट इज ही लगा देती हूँ। और यहाँ होगी फिट और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो जाएगी। देखूँगी इसकी अगर प्रूनिंग वगैरह करने की, मतलब ट्रिमिंग वगैरह करने की ज़रूरत हुई तो करूँगी। जैसे ये वाली स्टेम है, ये सूखी हैं तो इनको काट देते हैं, लेकिन आज नहीं, ये एक दो दिन जो भी प्रूनिंग वगैरह का काम होता है रिपोर्टिंग के हफ्ते बाद या दो तीन दिन का, उसको पूरा उस एनवायरमेंट में एडजस्ट हो जाए तो आप उसके बाद कर सकते हैं। तो प्लांट को ज़्यादा ही शौक में आ जाता है, क्योंकि एक बार तो रूट्स भी इसकी थोड़ी सी तो डिस्टर्ब होती हैं। वैसे मैंने पूरा रूट बॉल वैसे का वैसे लगा दिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। और ये वाले साल भी हैं जी, अब इनको बाहर रखाते हैं। सीड्स वगैरह तो नहीं बने फिलहाल, तो मेरे ख्याल से नहीं बने, नहीं बने, नहीं बने, अब तक कच्चे फ्लावर भी, क्योंकि प्लांट जब पूरा हो जाता है ना वो ड्राई सी लुक में, तब सीड्स बनते हैं। तो काफ़ी खलारा पड़ गया अब अंदर ही, अच्छे से बाहर बैठ के तो काम कोई होता नहीं, तब सारा ये भी समेटना है। ऐसे रूट्स थे सारे उसमें, बहुत छोटे में लगाया हुआ था उन्होंने। क्या ये निकाल इनकी सोइल सारी और बाहर फेंक के आऊँ, और काकू पूरी हेल्प कर रहा है आज मेरी। देखो गोली, देखो हाथ लग गया। ओके गाइस, अगर आपको ऐसी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और जल्दी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।